भाई मैं 1.5 लाख रुपए लेके आया हुआ था। मैंने आईफोन लिया था यहाँ पर गिफ्ट करने के लिए, तो उसकी कुछ पेमेंट देनी थी एंड आई सी मेरे बैग में पैसे है ही नहीं, खाली। भाई मैं जेन्युइन, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है। ऑलराइट गाइस, तो वी आर स्टार्टिंग आवर व्लॉग कहाँ से, एयरपोर्ट से। और एयरपोर्ट पे हमारे पास कौन है, ऑलवेज द गैंगस्टर, दिल्ली एयरपोर्ट पे आशी भाई हमारे को लेने आए हैं, क्योंकि हम यहाँ से जाने वाले हैं अफ्रीका, टी सीरीज का शूट करने अफ्रीका। कैसा लग रहा है अफ्रीका जाते हुए? वेरी नाइस। सैड, अफ्रीका नहीं जा रहे, हमेशा की तरह मुंबई जा रहे हैं। और एक बहुत ही प्यारा गाना है, इसके सिंगर विशाल सर हैं और श्रेया घोषाल मैम हैं, और ओहो हो बहुत ही प्यारा गाना है। तो शूट करने चलते हैं। एक दिक्कत है कि जब मैं घर आया तो मम्मी नहीं थी, मैं मम्मी से नहीं मिल पाया फिर से। बट चलो आओ, काम मम्मी पापा कहते काम थोड़ा कर ले, मैं कहा ठीक है कर लेते हैं यार। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी तो बॉम्बे में। गाड़ी वाले भैया गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी कल मिलेगी अपने को। चलो कल होगी हमारे पास एक बढ़िया गाड़ी, देखते कौन सी लेके आते हैं हमारे गाड़ी वाले भैया। अब हम तेजी में जा रहे हैं क्योंकि हम खाने में इतने व्यस्त हो गए थे कि हम भूल गए हमारी फ्लाइट मिस होने वाली है। और भाई ये कह रहे नहीं मिस होगी, कह रहे मैंने फोन पे बात कर ली। मैंने कहा तुम्हारे फूफे की बस कोई है? बस कोई है जो रुक जाएगी तुम्हारे फोन पे? प्लेन है भाई, टाइम से उड़ता है। मैंने पहले ही अपनी मिस करा चुका हूँ, अब मैं मिस नहीं कराना चाहता भाई। भैया इसमें फिफ्थ गियर नहीं डलता क्या? नहीं डलता, क्या कह रहे हो? फ्लाइट नहीं जाएगी, लेट्स गो जल्दी। चलो गोकट, चलो चलो गोकट, चलो। पता क्या था, ऑसवर्ल्ड करके एक सीरियल वो आता था कार्टून, उसमें बोलते थे। बिल्कुल आता था। चलो गोकट चलो। बुलाया मैडम, आपने फोन करके बुलाया, नहीं तो ये तो गए थे। मैं बता रहा हूँ मेरी फ्लाइट मिस करा दी थी, और मैंने पिछली 2 बार की दोनों फ्लाइट मिस करी है, सही बता रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा काम किया। अब आपने मेरे को बुलाया है तो मेरे को अपग्रेड कर दो। एयर इंडिया, मैं कह रहा हूँ एयर इंडिया, ओपन द चैट। आप लोग तो बेस्ट हो, और न्यू लोगो बहुत अच्छा है एयर इंडिया का। ठीक है, आ जाओ। क्या कह रहे हो मैडम, वापसी बताओ। आप रिकॉर्ड मत करो। अब तो मैंने कर लिया, आ गया मेरे ऑन रिकॉर्ड। क्या बोला आपने? थैंक यू सर, मैंने आपको अच्छी बोला है। बाय मैम, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। कहाँ जाना है? राइट राइट, मैं वो कहना चाह रहा हूँ, मैं सबका फेवरेट हूँ। आई लव यू गाइस। चलो अब हम चले अफ्रीका। भाई मैं 1.5 लाख रुपए लेके आया हुआ था, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं पैसे लेके आया था, क्योंकि मैंने आईफोन लिया था यहाँ पर गिफ्ट करने के लिए, तो उसकी कुछ पेमेंट देनी थी। और मैं 5-7 दिनों के लिए मुंबई आया था, तो मैं उसके लिए भी पेमेंट लेके आया था पैसे। एंड आई सी मेरे बैग में पैसे है ही नहीं, खाली। भाई मैं जेन्युइन, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है। मुझे पापा ने निकलते ये बात बोली थी कि भाई पैसे ध्यान से रखियो, ध्यान से रखियो, संभाल लो, संभाल लो। एंड आई वाज लाइक हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आई नेवर एक्सपेक्टेड ऐसा होगा, मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं बोलूँ कैसे, क्योंकि मैं सिक्योरिटी चेक इन से निकला, बैग मेरे पास था, और भाई पैसे नहीं है यार। क्या बोलूँ, भाई बोलूँ क्या, मैं समझ नहीं रहा। मैं सिक्योरिटी चेक इन निकला, वहाँ से मैं मैकडी पे रुका खाना खाने के लिए, मैकडी से खाना खाने के लिए मैं गोल्फ कार्ट पे बैठा, गोल्फ कार्ट से मैं सीधा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे मैंने प्लेन में, प्लेन के अंदर मैंने बैग रख दिया था, सोने के सो गया था मैं, बट प्लेन में तो कोई लेगा नहीं पैसे। उसके बाद प्लेन से सीधा कैब, पैब्स आए थे बीच में, और अब रूम में, और मेरे पास पैसे नहीं है। तो गाइज अब हम आ गए हैं अपनी प्रैक्टिस करने यहाँ पर, तुम्हारा भाई क्लाइमैक्स की प्रैक्टिस करने वाला है, तुम्हारा भाई डांस भी करेगा। नहीं डांस नहीं करूँगा, सिर्फ क्लाइमैक्स का सीन शूट करूँगा। ओ हो 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 हो, तो रिहर्सल करा दो भाई, हमारी रिहर्सल करा दो। हम कौन है, हम कौन है सर? हम ऑटो वाले सर? नहीं नहीं नहीं, हम ऑटो वाले, रिक्शा वाले नहीं है। आप मेरी नज़र में भी स्टार हैं। अरे तो क्या हुआ, सब एक बराबर है भाई। आज हम बने हैं ऑटो वाले, आज दुग्गल साहब बने ऑटो वाले, और ये दुग्गल साहब बने हैं सब्जी बेचने वाले। कौन सी सब्जी बेचोगे? बहुत मारता है मुझे ये, मैं कब मारता हूं तुम्हें? चलो अभी तो मैं फेमस होने वाला हूं ना, मैं YouTube व्लॉग्स में आ रहा हूं। यस भैया, हमारे को डांस करके जाना, वो वाली एक्टिंग करके जाना, वो वाली सर। वो फील क्या पता है, जब आप ढोल बजा रहे हो, लड़की वहां पे खड़ी है ना, आपको बस इमोशन, वो मिल जाए एक बार। तुम्हारी तो आँखों में वैसे ही गुस्सा है, बस उतना और कुछ। तड़प भाई, दिल तुम टूटा हुआ आशिक लग रहा भाई एकदम। आज हमने अपनी रिहर्सल कर दी, ढोल बजाने वाली रिहर्सल हो गई, और कपड़े हमने चेंज कर लिया। तुम्हारा भाई बन गया ऑटो ड्राइवर, 48 आवर्स एज एन ऑटो ड्राइवर, और बहुत मजा आने वाला है, और we'll be having full fun guys, let's go. I hope you guys are excited, because I am excited. Mayank bhai, are you excited or not? I am very excited for tomorrow. Ashi bhai is not excited. Bhai, ek to na tumne mera din bana diya, dekho.
मैं क्या कह रहा हूँ, नूरी का टीजर मलन रिकॉर्ड्स पे डालो और ट्रेंडिंग नंबर वन कर दिया तुमने भाई। मलन रिकॉर्ड्स पता है बेबी है, हमने अभी ग्रो भी नहीं करा उसको, ट्रेंडिंग नंबर वन कर दिया यार। आई लव यू गाइस सो मच, हम इतने खुश है कि आज हम पार्टी करने वाले हैं, है ना भाई आशी भाई? वापस मयंक बोल रहा है मुझे यार। आशी भाई कैसे पार्टी करेंगे हम? भाई हम पार्टी करेंगे बहुत ही प्यारा डिनर विद अभिषेक का फेवरेट फूड। ओ हो, मेरा फेवरेट फूड बताओ क्या है? आपका फेवरेट फूड है जिसमें आप खाना मेरे साथ खाओ। भाई ने इतना बेकार आंसर दिया है ना। बाकी नूरी का टीजर अभी, जब तक तो मैं ये ब्लॉग डालूंगा तब तक तो नूरी की वीडियो भी आ गई होगी, एंड आई होप नूरी पे आप उतना ही प्यार दो जितना आपने टीजर पे दिया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, नूरी जाके चेकआउट करना। आगे चलते हैं, अभी हम जा रहे हैं एक प्यारा सा इंटरव्यू देने, तो आओ चले। ओ माई गॉड, सो वी आर हेयर एट द स्टूडियोज, जो बहुत ही अच्छा स्टूडियोज लग रहा है, MNG स्टूडियोज चुरूरूरू। और यहाँ पर कौन है? पहली बार जिंदगी में किसी लड़के से पप्पी लिया। भाई गीली नहीं थी, गीली वाली कर दूं क्या? पर मुझे ऐसे लग रहा है ये सच में दे दिया। कैसे भाई? अपनी बीवी के बाद ऐसी स्वीट सी किसी मैंने एक भाई को दी है भाई, वरना ये मेरी बीवी के लिए रिजर्वड है। ठीक है गाइस, जज मत करना मुझे। और भाई मैं ये पप्पी के लिए 10 रुपए देता हूँ फ्री में, मैंने तुमको दिया भाई। 10 रुपए चार्ज लगता है, इसको भी दे दूं क्या पप्पी? ये दो दो दो, बहुत लेफ्ट ऑफ फील्ड है। नहीं 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 भाई भाई, 10 रुपए या 20 रुपए ओ। वैसे मैं एक जेन्युइन बात बताऊं, अभी आपने जब मुझे पप्पी दी, मैंने बहुत कदर करी उस पप्पी की, पर आपने उनको देखे फ्री एक्सेस कर दिया ब्रो। यार मुझे एक बचपन में एक फीलिंग थी कि यार मैं बस दुनिया भर सबको पप्पियां दूं यार, पर इसके सबसे क्यूट चीक से देखो, 10 पराठे घी के साथ पक्का चरवा गया भाई। ओए गुल्लू गुल्लू मेरा दोस्त, मैं जेन्युइन बताऊं, देखो सिद्धार्थ भैया, मैं आपको ऐसे बिग बॉस के बाद ही जाना था थोड़ा बहुत, ठीक है, पर जब मैंने बाद में घर जाके देखा कि भाई ये तो इंडस्ट्री में काफी समय से है। देखो मैं इनकी वीडियो पर रिएक्ट करता, मैं कंगना रनौत इंटरव्यू, मैं कहा यहाँ तो बहुत जवान लग रहे, और ऐसा नहीं कि अभी भी बहुत जवान लगते हो आप, झूठे हैं। नहीं नहीं सच में, आई स्वेयर अभी भी बहुत जवान लगते हो, बट उसमें मैंने देखा ये इससे भी जवान लगते थे। पर उसमें क्या ना, वो फेशियल एक क्रीम आता है, वो तोप तोप के लगाते हो तो जवान दिखते हो आप यार। मैं जेन्युइन पहले जेन्युइन मेरे को ऐसा लगा था 32-33 इयर्स के हो गए, पर फिर जब मैंने वो वाली वीडियो देखी ना तो मुझे लगा नहीं यार ये तो इंडस्ट्री में काफी समय से। तो क्या एज है आपकी भाई? ऑनेस्टली बताऊं, इसकी जवानी की कसम। ओ गई बेचारी। इसकी जवानी की कसम, मैंने 14 साल की उम्र में काम शुरू किया, अब मैं 44 का हूं, यानी तुम्हारी जवानी इंटैक्ट है। 30 साल हो रहे मेरे मार्च 15 तारीख को 2024 में, और पार्टी फेंकेंगी कौन? ये दोनों भाई मेरे फेंके ना पार्टी। हैट्स ऑफ, आपने जितना काम करा बहुत ज्यादा हो गया। 30 साल 30 साल तेरे कितने हुए? मेरे को 4 साल हुए, और मुझे लगता है और 4 साल कर पाऊंगा बस। डॉक्टर तभी हम जब आप बुलाते हैं हम यहाँ पहुंच जाते हैं। क्या बात है, लव इट भाई। और मैं चाहता हूँ कि ये कुवारा है, इसकी शादी करवानी है। अरे ये कुवारा है भाई, अरे ये भी, मैं भी दोनों, ये चार बीवियां लग गई इसकी है दोस्तों। ये भाभियों के जो ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में इनका फोटो सर्कुलेट होता है दोस्तों। तो गाइस सिद्धार्थ भैया जा रहे हैं, और उनकी गाड़ी देख लो। ओहो क्या कह रहे थे? अरे बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों, सच्चे दिल से मेहनत करता हूँ, 30 साल की मेहनत है भाई सच में। जैगुआर कुड़ी कहनी में भी पहला जैगुआर ले लो, फिर जितना मर्जी प्यार। शादी की हो गई आपकी? यार शादी हो गई 10 साल हो गई है। जैगुआर ली थी तभी हुई ना। चलो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत प्यारा इंटरव्यू आने वाला है। सिद्धार्थ भैया बता दो कहाँ आने वाला है? मेरे यूट्यूब चैनल पर देखना पक्का, मतलब जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक आ चुका होगा, तो जिसने नहीं देखा होगा वो जाके देख लेना, ठीक है। बाकी ये अपनी कैटेगरी में भाई जगुआर, आपको पता है हमारे पास कौन सी है भाई? बड़ा दिल, हमारे पास एफ पेस है। अच्छा, हमारे पास इसका जो बड़ा फोटो वर्जन है भाई, बड़ा भाई, बड़ा भाई। आप हमारे बड़े भाई। अरे यार चलो बाय बाय, यहाँ पर जगह खत्म हो गई यार, सिर्फ दुख दर्द पीड़ा है। मैं तो टूट गया भाई साहब। मैंने तो नहीं तोड़ा, तेरे फैंस बोले कि मैंने तोड़ा भाई, ऐसे मत बोल। नहीं 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 बाय जगुआर, जगुआर क्या बात है। चले आशी भाई, चलो चलो भाई। रात के 3 बज गए हैं और हम अभी अपने होटल रूम में आए, और देखो हमारे को भैया मिले, भैया हमारे लिए देखो क्या लाए हैं। अरे भैया ये क्यों है? पर भैया आपके फैन है इतना तो, प्यार नहीं
डन। अब आपने हमारे को इतना प्यार दिया, जाने से पहले हम आपको जरूर एक अच्छा गिफ्ट देंगे। आपका नाम क्या है? अमित भाई, लव यू, लव यू, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। Nuri is ouch on Mahan Records. Nuri is ouch on Spotify. And bhai, genuine bata raha hu, kya pyar diya hai tumne. Oh my god, man kar raha hai screen se nikal ke sabki pyari pyari puppy le lungo, bhi gili wali puppy. Aur yahan par hum aa gaye hain, kahan hain hum? हम जहां भी होते हैं ये इंसान या तो खा रहा होता है या मुझे सुना रहा होता है। वाह 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 वाह। तो गाइस हम आ चुके हैं बिग बॉस सीजन 17 के सेट पे। बाय गॉड वही वाली फीलिंग आ रही है मुझे, क्योंकि वहां भी ऐसे सही फीलिंग थी, बट ऐसा नहीं है गाइस। हम आ चुके हैं टी सीरीज के सेट पे और आज हम शूट करने वाले एक गाना। लेट्स गो गाइस। उठ गया हूँ सुबह सुबह, सोया ही था 2 घंटे पहले, बट अप लेट्स गो गाइस। फुल सेट यहाँ पर लग चुका है और फुल मजा आने वाला है, शूट चालू होने वाला है। बट भाई हीरो का हीरो कौन? मैं हूँ डॉन। टरन 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 टरन। फुल गर्मी है और बहुत ज़्यादा लोग हैं, कम से कम 100 बंदों से ऊपर है यहाँ पर सेट पर। एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट सॉन्ग ऑफ टी सीरीज दिस साल। लेट्स गो गाइस। यहाँ पर हो गया है हमारा शायद पैकअप और हमारे पास कितने प्यारे प्यारे फैन आए हमारे। हेलो हेलो, ये सामने कोई ओए चुप। दिन लंगड़ना रात लंगड़ तेरे इश्क चेचना।